नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों के लिए दी पब्लिक न्यूज चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में जाटलैंड का असर काफी देखने को मिल रहा है, किसान आंदोलन का असर काफी दिख रहा है यूपी पंचायत चुनाव के अंदर। जिस प्रकार से बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हारी है, बीजेपी को भारी नुकसान पंचायत चुनाव यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। जी हाँ, किसान आंदोलन का असर जाटलैंड में देखने को मिल रहा है, रुझानों में बागपत और मथुरा में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कई जिलों का रुझान आना भी बाकी है। अगर बागपत और मथुरा कोई बानगी और पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में या कोई इशारे दे रहा है तो मान लीजिए कि न कि सिर्फ जाटलैंड में बीजेपी अपनी जमीन खो रही है बल्कि अजीत सिंह की पार्टी RLD उसी रफ्तार से जाटों के बीच अपनी पेट वापस बना रही है। बागपत और मथुरा का अगर यही रुझान जारी रहा और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवबंद और अलीगढ़ में भी जाट इलाकों में अगर बीजेपी पंचायत चुनाव हारती है तो मान लीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेला कर दिया है। हालांकि अभी रुझान और नतीजे आने में कई घंटा का वक्त बाकी है, लेकिन बागपत और मथुरा के जाट बहुल इलाके में यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद अपना काफ़ी कुछ खो दिया है। जानकारी के मुताबिक बागपत की ज़्यादातर सीटों पर RLD आगे चल रही है और बीजेपी काफ़ी पीछे है। मथुरा की आधी सीटों पर RLD आगे और बीजेपी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं है, ये शुरुआती रुझान है। बीजेपी को उम्मीद है कि रुझानों के बाद जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें जाटलैंड में भी बीजेपी अपनी ताकत बरकरार रख पाएगी। हालांकि पार्टी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी के लिए चुनाव कहीं से आसमान नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।